हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? तो पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? संज्ञात्मक विकास के। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है, मतलब कि जब बहुत सारे प्राप्तांक दिए होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा आता है उसे बहुलक कहते हैं, बहुलांक या बहुलक कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है स्किनर ने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वह किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने दिया था? बिने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य को आरंभ करना है, जारी रखने और नियमित करने की क्रिया है क्या, कौन सी क्रिया होती है यह? प्रेरणा। क्रोध और भय प्रकार है, किस चीज के प्रकार है ये? संवेग के, इमोशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कहलाती है अनुकरण, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवहार का की नकल करता है तो वह क्या कहलाती है? अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलताओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, सामान्य या औसत बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 11, होल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो यह सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? इसका करेक्ट आंसर है फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है डब्लू वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्दीमर ने। क्वेश्चन नंबर 15, संघनन सिद्धांत किसके किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है स्मृति से। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है फ्लूइड और तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R थ्योरी के जन्मदाता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? यह भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुगंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन दोनों थे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन बिने ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ट ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ट ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ट। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत थॉम्सन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। संरचनाशाद संप्रदाय के जनक विलियम पुस्ट थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम पुस्ट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञात्मक विकास का प्रतिपादन यह भी जीन पियाजे ने ही किया था। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान या मन मस्तिष्क का विज्ञान क्या कहलाता है? पॉपोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर कहीं पे ये भी पूछ लिया जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो यह पल्लव ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत या व्यवस्थित व्यवहार या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक या अंतर्निदोड़ या प्रदोड़ का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल ने। सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। गैस्टलावाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, व्रिदिमर और कोफा। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने। समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक लेविन। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल ने दिया। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से किस करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। प्रोजेक्ट प्रणाली को विकसित किसने दिया? किलपैट्रिक ने। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। सामान्यकरण का सिद्धांत सी एच जड ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ। भाष्य विकास के सिद्धांत किसने दिया? चमोक्सी। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? ये है मैक्सलो। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैक्सलो। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व कोफमैन। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रुडोल्फ गोलकाम ने 1590 में। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी किसने लिखी? रुडोल्फ गोलकाम 1590 में। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम फुट द्वारा जर्मनी में बनाई गई। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने साइमन द्वारा किया गया। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में सी एच राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकोर्टे। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कस्टन। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी। संज्ञात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। रचनावाद का सिद्धांत विलियम बुंड 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जेबी वर्टसन ने 1912 में। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत 1900 में दिया सिगमंड फ्रायड ने। टीएटी टेस्ट किसने दिया था? ये टेस्ट मार्गन एवं मरे ने। सीएटी टेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने दिया। साई धब्बा परीक्षण रोशार्क। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत बिने टर्मन एवं स्टर्न ने 1911 में दिया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर एस ओटिस 1970 में किया गया 1917 में किया गया। आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस 1919 में किया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर ने किया। शब्द सैचर्या परीक्षण फ्रांसिस गोल्टन। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण जे मनरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रोसो। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल। सैचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।